सृष्टि के निर्माण उपरांत एक बार नारायण ने तप के लिए महादेव से उत्तम स्थान के निर्देश की याचना की। महादेव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। वहां उपस्थित होकर नारायण ने बहुत काल तक तपस्या की। नारायण की तपस्या के अनंतर ही उस क्षेत्र में महादेव की कृपा से अनेक नदी नद सरिताएं उत्पन्न हुई। सब को देखकर आनंदमयी हो उठे नारायण ने जैसे ही अपना शीश हिलाया, उनके कान की मणि गिर पड़ी। मणिकर्णिका के उस पंचकोश वाले विस्तृत क्षेत्र को महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पंचकोशी तीर्थ को सभी 14 लोकों से पृथक रखा और आगे इन सब से अलग उसको मृत्युलोक में स्थापित किया। नारायण की यमनी का हमारे द्वारा निर्मित इस विश्व में स्थान पाए और सभी जीवों को हमारी ओर लाने का साधन बने। महादेव, आपने कहा था कि आप इसे इस लोक में स्थापित करेंगे, अब समय आ गया है। महादेव की कृपा से उस मणिकर्णिका का विस्तार पंचकोश तक हो गया। ये मणिकर्णिका
पंचकोश की काशी बनकर इस पृथ्वी पर सदैव रहे। यह अविनाशी है चिरकाल तक, सृष्टि के अंत के पश्चात भी इसका अंत नहीं होगा। ये भूमि मुझे सदैव प्रिय रहेगी। क्या तप करके स्वयं नारायण तीनों लोकों को प्रकाशित किया, इसीलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे कभी भी नष्ट और विनष्ट नहीं होने दूंगा। महादेव ने उस क्षेत्र से अपने आत्मिक योग को ध्यान में रखते हुए अपने ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित किया, जो इस क्षेत्र से कदापि पृथक नहीं हो सकता। विश्व की स्थापना तो हुई, किंतु इस ज्योतिर्लिंग को आपने उस स्थान पर स्थापित किया है जिसकी ऊर्जाएं विश्व से परे। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। महादेव उस काशी को अपने त्रिशूल पर प्रलय और अनिष्ट की स्थिति में धारण कर उसका संरक्षण करते रहते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र सभी लोगों से न्यारा है। नारायण की मणि गिरते ही उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। वो स्थान काशी में अब भी है लोहितांग। उत्तम, अति उत्तम। ये पहला ज्योतिर्लिंग जो महादेव ने किसी के कहने पर नहीं अभी तो अपनी इच्छा से स्थापित किया, अर्थात ये ज्योतिर्लिंग महादेव को सबसे प्रिय होगा। अर्थात सभी ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान विशेष अवश्य होगा, है ना ऋषि विप्लाद? अवश्य। हे प्रभु, आपके द्वारा सौंपे गए दायित्व की पूर्ति होने में अब केवल एक अंतिम कार्य शेष है। ऋषि पिपलाद, क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ गुरुदेव? समस्त ज्ञान के लिए धन्यवाद ऋषि। प्रस्थान की अनुमति चाहता हूं ऋषि प्रहलाद। ज्योतिर्लिंगों के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपने अर्जित कर ली है, ऐसा विश्वास क्या आपको है लोहितांग? अर्थात कुछ शेष है क्या ऋषि प्रहलाद? उपलिंग जिनसे आप परिचित नहीं है, पृथ्वी और सागर के सहयोग में सोमेश्वर के उपलिंग का नाम अंतकेश है। मल्लिकार्जुन से प्राप्त हुआ उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न उपलिंग दुग्देश, रामेश्वर से गुप्तेश्वर उपलिंग तथा घुष्मेश्वर से व्याघ्रेश्वर, ओंकारेश्वर से उत्पन्न हुए उपलिंग को कर्दमेश कहा जाता है।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ, केदारेश्वर से जो उपलिंग प्रकट हुआ उसे भूतेश कहा जाता है, और भीमा शंकर से प्रकट हुआ भीमेश्वर नाम का उपलिंग। धन्यवाद ऋषि पिपला, इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है मुझे। रुको लोहितांग, गुरु दक्षिणा। दे चुका हूं, पहले ही दे चुका हूं ऋषि पिपला। जीवन था किंतु केवल इस बार के लिए ऋषि पिपला, भविष्य में प्रयास अवश्य करना कि हम पुनः किसी मार्ग पर ना टकराएं। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि मेरे सभी शिष्यों की भांति आपके लिए भी उचित मार्ग प्रशस्त करें। गुरुदेव, मैं जिस उद्देश्य से यहां आया था वो पूर्ण हुआ। मैंने महादेव के सभी ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान अर्जित कर लिया। अब मुझे केवल यह सोचना है कि अब मैं उस ज्ञान का उपयोग कैसे करूं, क्योंकि विष्णु को निघस 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 ने क्या कहा गुरुदेव? गुरुदेव, क्या करेंगे लोहिता? निकस ने केवल मना किया है गुरुदेव, इसका अर्थ यह नहीं कि वो मानेगा नहीं। किंतु लोहितांग, उसने स्पष्ट कह दिया है कि वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। वो मूर्ख नहीं है, सब समझता है। आप व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हैं गुरुदेव, मैं लाऊंगा उससे निकस को, और उसके लिए मुझे करना क्या है ये मैं भली भांति जानता हूं। तुम समझ नहीं रहे हो लोहितांग। गुरुदेव, जिसके पास उंगलियां ही ना हो उसे अंगूठी देने का लाभ क्या? अर्थात जिस वस्तु की उसे आवश्यकता ही नहीं, हम उसे वो वस्तु क्यों दें गुरुदेव? वो कभी रुचि नहीं लेगा। किंतु यदि हम निघस को वो दे जो उसकी इच्छा है, जिसकी उसे आवश्यकता हो, तो संधि अवश्य संभव होगी, है ना गुरुदेव? और मैं जानता हूं कि निगस को क्या चाहिए। आपने सिखाया था मुझे गुरुदेव कि एक योद्धा की शक्ति को उसकी दुर्बलता भी बनाया जा सकता है, और यही करेगा लोहितांग निघस के साथ। निघस मेरे लिए नहीं लड़ेगा, किंतु मैं उसे तैयार अवश्य करा सकता हूं विष्णु से युद्ध करने के लिए। लोहितांग, हमारी सोच बहुत आगे की है। लोहितांग, समय आ गया है गुरुदेव नीति को कृति में परिवर्तित करने का।
अब लोहितांग शीघ्र ही निहस से भेद करेगा। अब मैं करूंगा महादेव के अंत का आरंभ।